ये बात सुन के बहुत दुख हुआ क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो गई, वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला होकर अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। देखिए, पहले तो हम संविधान, अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी, किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम कि अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान खत्म हो गया 3 महीने से, क्या हमें न्याय नहीं मिला? अगर PT उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता, वो उनके उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि पर वो रही और वो जब IOA में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे? वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे, वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए, क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जब वो खुद IOA की प्रेसिडेंट होने के बाद, मैं राज्यसभा के सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी, हमारा अंदर से रो रहा था उस दिन की इतने बड़े एथलीट के साथ भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में? हमारे अंदर से हम खुद लोग पर्सनली फोन कर करके कि प्लीज उनसे हाल साल पूछो कि मैम सब कुछ ठीक है या नहीं है, उन्होंने एक बार भी क्या उनके मन के अंदर ऐसा नहीं आया कि हम भी उनसे पूछें? तो दुख होता है ऐसे, मतलब कोई जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई दूसरे खिलाड़ी का दर्द नहीं समझता है। और बस क्या बोले, देश का दुर्भाग्य ही चल रहा है, ये बहुत बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है। देखिए, काफी दुख होता है ऐसी बातें जब PT उषा मैडम ने बोला है, क्योंकि वो खुद एक महिला है और उसके बावजूद वायु के अध्यक्ष भी है और राज्यसभा सांसद भी। अभी विनेश ने बताया कि उनकी खुद की जब एकेडमी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ही पता चला कि वो बोल रहे कि देश की जो गरिमा उस पर दाग लग रहे हैं, ऐसे रोड पे बैठे हैं। हमने 3 महीने वेट किया है, हमने सारी चीजें कमेटी के सामने बोली, हम उनके पास गए हैं, वो बोल रहे ना हमारे पास आते हैं। 3 महीने पहले हम उन्हीं के पास गए थे, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमने मजबूरन ही आना पड़ा, क्योंकि 3 महीने में क्या किया, उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह, तो कि भाई सोर्सेज ये बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ नहीं बताया, ये तो निर्दोष है, वो दोबारा से फेडरेशन को रन कर रहे हैं। वो अपने जहाँ पे खिलाड़ियों ने बोला कि भाई हमें जान से मारवा देगा, उसका भी डर है, लेकिन वो नंदनी में ही अपना चैंपियनशिप करवा रहे हैं। जब भाई वो कुछ नहीं बोल रहा, जो उनके फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे तोमर जी, उनको सस्पेंड कर रखा है, वो मेडल सेरेमनी कर रहे हैं लड़कियों की, तब कुछ नहीं बोला जा रहा। अगर खिलाड़ी अपने हक की आवाज़ उठा रहे तो उनको अनडिसिप्लिन बोला जा रहा है। खिलाड़ियों को तो हमेशा डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है, ना कि अनडिसिप्लिन। और मैडम खुद जब ट्वीट कर रही थी तब देश की इज्जत पे कोई बात नहीं आ रही थी, वो भी तो चुपचाप जाके मिल सकती थी। आपके पास तो पावर है, राज्यसभा से आप सांसद भी हैं, IOA के अध्यक्ष भी हैं, आपके पास तो पावर है, हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। हम किसको जाके बताएं सीधा, हमारे तो कोई फोन भी नहीं उठाता कि हम फोन करके एक आदमी को तो बता सकते हैं।